आगे बढ़ेंगे। जहां मुजफ्फरपुर में रेड करने गई पुलिस टीम पर हमले का वीडियो सामने आया है। ये वीडियो 1 अगस्त का बताया जा रहा है, जब दो बाइक सवार बदमाशों का पीछा करते हुए साहिबगंज थाना पुलिस नवलपुर गांव पहुंची है और कुख्यात के कई गुर्गों और ग्रामीणों ने पुलिस की कार्रवाई का विरोध किया और पुलिस को चोर कहकर हमला कर दिया। आरोपियों ने एक जवान को पकड़कर पिटाई भी की है और हथियार छीनने की कोशिश की। हमले में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं और एक पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गया है। तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि वायरल वीडियो में कई लोग एक पुलिसकर्मी को घेरे हुए हैं और उससे उसका हथियार छीन रहे हैं। इस मामले में पुलिस ने हमला और सरकारी काम में बाधा डालने की एफआईआर को दर्ज कर पूर्व मुखिया पुत्र और कुख्यात बदमाश सहित 6 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। चंदन, इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। देखिए चंदन, पुलिस को चोर बताकर उन पर हमला करने का ये वीडियो वायरल हो रहा है, क्या है पूरा मामला? जी, मैं आपको बता दूं, यह मामला मुजफ्फरपुर जिले के साहेबगंज इलाके का है और 1 अगस्त के की वीडियो है जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में आप साफ तौर से देख सकते हैं कि एक PSI है जो लोगों के बीच घिरा हुआ है और अपराधियों के गुर्गों के द्वारा उसका हथियार छीना जा रहा है। अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है और वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 36 लोगों को नामजद किया गया है। अन्य गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ये पुलिस को चोर बताकर उस पर हमला करने का ये वीडियो मुजफ्फरपुर से सामने आया है और अब ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है कि आप वीडियो में साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस पर लोगों ने, ग्रामीणों ने हमला किया है और पुलिस से उसके हथियार को छीनने की कोशिश भी की जा रही है। हालांकि इस पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है।